वह सुंदर घोड़े हाथी एवं रथ संग्रह करता है और पूरे ध्यान से इनको अपना बना लेता है। परंतु जब वह लंबी यात्रा पर चलता है अर्थात देहांत होता है तो उसके साथ कोई भी एक पैर तक नहीं चलता अर्थात कोई साथ नहीं जाता। हरि का नाम जीव का सच्चा धन है, नाम ही सुख का राजा है और हरि का नाम ही कुटुंब एवं साथी है। गुरु ने नानक को हरि नाम रूपी संपत्ति प्रदान की है। वह नाम ना ही नाश होता है और ना ही कहीं आता एवं जाता है। गुजरी महला पांच ती पदे घर दूसरा। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, दुख बिन से सुख किया निवासा, तृष्णा जलन बुझाई, नाम निधान सत गुर दृढ़ाया, विनस न आवे जाए। हर जप माया बंधन टूटे, भय कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे। रहाऊ आठ पहर हर के गुण गावे, भक्त प्रेम रस माता, हरख सोग दुह मह निराला, करणे हार पछाता। जिसका सातिन ही राख लिया, सगल जुगत वन आई, कह नानक प्रभ पुरख दयाला, कीमत कहण न जाई। दुख नष्ट हो गए हैं, सर्व सुखों का निवास हो गया है, तथा तृष्णा की जलन भी बुझ गई है, क्योंकि प्रभु नाम का खजाना सच्चे गुरु ने दृढ़ कर दिया है। जो ना ही नाश होता है और ना ही कहीं जाता है, हरि का जाप करने से माया के बंधन टूट गए हैं। मेरा प्रभु मुझ पर कृपालु एवं दयालु हो गया है एवं साधुओं की संगति में मिलकर बंधनों से छूट गया है। रहाऊ मैं आठ पहर हरि का गुणगान करता रहता हूँ एवं प्रेम भक्ति द्वारा हरि रस में मस्त रहता हूँ। हर्ष एवं शोक दोनों में निर्लेप रहता हूँ तथा अपने रचयिता को पहचान लिया है। मैं जिस प्रभु का सेवक बना था उसने ही मेरी रक्षा की है और मेरी सभी युक्तियाँ संपन्न हो गई हैं। हे नानक, उस दयालु प्रभु की दयालुता का मूल्यांकन नहीं बताया जा सकता। गुजरी महला पांच दुपदे घर दूसरा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पतित पवित्र लिए कर अपने सगल कर्त नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही बादशाह चरण रवारो। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को धनी कहीजे, जन को अंग निरारो। रहाऊ साध संग नानक बुध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन कबीर, दासरो मुक्त भयो चमियारो। ईश्वर ने पतितों को भी पवित्र पावन करके अपना बना लिया है और सारी दुनिया उन्हें प्रणाम करती है। अब कोई भी उनके वर्ण एवं जाति के बारे में नहीं पूछता। लोग उनकी चरण धूलि के अभिलाषी बने हुए हैं। हे ठाकुर, तेरे नाम का ऐसा तेज प्राप्त है कि तू समूची सृष्टि का मालिक कहलवाता है तथा अपने भक्त जनों का निराला ही पक्ष करता है। रहाऊ सतसंगति में नानक को बुद्धि प्राप्त हो गई है और हरि का भजन कीर्तन करना उसका जीवन का आधार है। हरि कीर्तन से ही नामदेव त्रिलोचन कबीर दास एवं रविदास चमार भी मुक्ति प्राप्त कर गए हैं। गुजरी महला पांच, हे नाही कौ बुझण हारो, जाने कवन भता शिव विरच, अर सगल मोन जन गहनास काह गाता,
प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अंबर अंबर विद बुझिए वकण कथन रहता रहाऊ आपे भगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहयो हे पेख्यो जत्र कथा। उस परमात्मा जी को बूझने वाला कोई भी नहीं, उसकी युक्तियों को कौन जान सकता है। शिव ब्रह्मा तथा मुनि जन भी उसकी गति को समझ नहीं सकते। प्रभु की कथा अगम्य एवं अगाध है, यह सुनने में कुछ और है परंतु समझने में कुछ और ही तरह की है। यह वर्णन एवं कथन करने से परे है रहाऊ। परमात्मा जी स्वयं ही भक्त हैं और स्वयं ही स्वामी हैं, वह अपने आप से ही आसक्त रहता है। नानक जी का प्रभु सारे विश्व में बसा हुआ है और वह उसे सर्वत्र देखते हैं। गुजरी महला पांच मता मसूरत अंबर स्याणप जन कौ कछु न आयो जह जह अवसर आए बण्यो है तहां तहां हर ध्यायो प्रभु को भगत बच्छल विरदायो करे प्रतिपाल बारीक की न्याये जन कौ लाड लड़ायो रहाऊ जप तप संजम कर्म धर्म हर कीर्तन जन गायो शरण पर्यो नानक ठाकुर की अभय दान सुख पायो। प्रभु के सेवक को कोई सलाह मशविरा एवं चतुराई कुछ भी नहीं आता। जहाँ कहीं भी संकट का अवसर बनता है वहाँ वह हरि का ध्यान करता है। भक्त वत्सल होना प्रभु का वृद्ध है, वह अपने सेवकों का बालक की तरह भरण पोषण करता है और अपने बच्चों की तरह उन्हें लाड लड़ाता है रहाऊ। सेवक ने हरि कीर्तन गाया है और हरि का कीर्तन ही उसके जप तप संयम एवं धर्म कर्म है। हे नानक, सेवक अपने ठाकुर जी की शरण में पड़ा है और उसने उससे अभय दान का सुख पाया है। गुजरी महला पांच दिन राती आराध्य प्यारो निमख न कीजे ढीला संत सेवा कर भावनी लाइये त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रांगीला वास रहियो हियरे के संगे पेख मोहियो मन लीला रहाऊ। जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरे मन है जंगीला मिलवे की महिमा वर्ण न सकाऊ नानक परे परीला। हे प्रिय भक्त जनों, दिन रात भगवान की आराधना करो तथा क्षण भर के लिए भी विलंब मत करो। अपने अभिमान एवं हट को त्याग कर श्रद्धा से संतों की सेवा करो। मोहन प्रभु बड़ा रंगीला है जो मेरे प्राण एवं मान सम्मान है, वह मेरे हृदय के साथ बसता है और उसकी लीला देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया है रहाऊ। जिसका सुमरण करने से मन में आनंद होता है और मन की जंग मैल उतर जाती है, ऐसे प्रभु के मिलन की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। हे नानक, उसकी महिमा अनुमान से परे अनंत है। गुजरी महला पांच मुन जोगी शास्त्र कहावत सब कीन्हे बस अपना ही तिन देव अरकोड तेतीसा तिन की हैरत कछ ना रही बलवत व्याप रही सब मही अंबर ना जानस को मरमा गुर कृपा ते लही रहाऊ। जित जित जीते सब थाना सगल भवन लपटही कह नानक साधते भागी होए चेरी चरण गही। जो स्वयं को मुनि योगी एवं शास्त्रों के ज्ञाता कहलवाते हैं माया ने उन सभी को अपने वश में किया हुआ है। माया की इतनी प्रबलता देखकर त्रिदेव ब्रह्मा जी
विष्णु जी, महादेव जी और 33 करोड़ देवी देवताओं की आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। यह बलवान माया सभी के भीतर वास कर रही है। उसका मर्म भेद गुरु की कृपा से ही पाया जाता है, दूसरा कोई भी इसे नहीं जानता। रहाऊ।